सोलन के किसानों की नकदी फसल है। किसानों के साथ साथ सोलन शहर की आर्थिक टमाटर के सीजन पर ही निर्भर करती है। टमाटर की फसल अब सोलन की सब्जी मंडी में भी आने लगी है। हालांकि अभी किसानों को दाम अभी कम ही मिल रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल के दाम उचित मिले इसके लिए एपीएमसी रणनीति बन चुकी है और किसानों को एपीएमसी के प्रति कोई शिकायत न रहे इसके लिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। टमाटर की फसल सोलन के किसानों की नकदी फसल है। किसानों के साथ साथ सोलन शहर की आर्थिक टमाटर के सीजन पर ही निर्भर करती है। टमाटर की फसल अब सोलन की सब्जी मंडी में आने लग गई है। हालांकि अभी किसानों को दाम अभी कम मिल रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल के दाम उचित मिले इसके लिए एपीएमसी रणनीति बना चुकी है। किसानों को एपीएमसी के प्रति कोई शिकायत ना रहे इसके लिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। एपीएमसी के अध्यक्ष संजीव कश्यप ने बताया कि किसानों को काफी समय से शिकायत थी कि उनका टमाटर वजन के हिसाब से नहीं बिकता है और क्रेट के हिसाब से आरती टमाटर खरीदते हैं। इसके लिए अब एपीएमसी ने कदम उठाया है कि अब किसानों को टमाटर के दाम क्रेट के बजाय वजन के हिसाब से मिलेगा। उन्होंने बताया कि एपीएमसी का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिले, इसलिए एपीएमसी अपनी कार्य प्रणाली को लगातार सुधारने का प्रयास कर रही है। टमाटर जो है सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू हो चुका है और अभी कोई 50-60-100 क्रेटों के करीब डेली आ रही है और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सोलन के किसान हैं उन्हें जो है अच्छा रेट मिले। लेकिन अभी तो थोड़ा रेट कम है, लेकिन मुझे आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है हम क्रेट जो है कि एक तो वेट के हिसाब से यहाँ टमाटर बिके और जो है किसानों को अच्छा रेट मिले, यही हमारी उम्मीद है। 1000 रुपए के हिसाब से क्रेट से टमाटर बिके। एपीएमसी का एक उद्देश्य है कि हमारे जो किसानों को जो है अच्छा दाम मिले, उसी के तहत हम कार्य करेंगे। वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।